राजस्थान का ये किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से कम नहीं, अपने नवाचारों के दम पर तमाम पुरस्कार जीत चुका है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज नहीं करवाया बल्कि विश्व रिकॉर्ड तक कायम कर चुके हैं। इन्हें भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया है। 70 वर्षीय किसान जगदीश प्रसाद पारेख मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के गांव अजीतगढ़ के रहने वाले हैं। नवाचार और कीटनाशक खेती कर जगदीश प्रसाद ने देश विदेश में अंचल का नाम रोशन किया है। किसान जगदीश पारेख का छोटे गाँव अजीतगढ़ से पद्मश्री तक के सफर की शुरुआत 1970 से होती है। पिता की मौत हो जाने के बाद जगदीश के सामने परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। इन्होंने पढ़ाई छोड़ रोजगार करने की ठानी, कहीं और जाकर काम करने के बजाय खेती को चुना और खेती में भी गोभी उगाने इन्हें ज्यादा मुनासिब लगा। हुकुमचंद पाटीदार को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की असनावर क्षेत्र के मानपुरा गांव के प्रगतिशील किसान हुकुमचंद पाटीदार की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी विपरीत हो, हार न माने तो सफलता निश्चित मिलती है। उन्होंने जिले के छोटे से गाँव मानपुरा में 1.5 दशक पहले 1 हेक्टेयर क्षेत्र से जैविक खेती की शुरुआत की। पहली बार में उत्पादन घटकर 60% रह गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती को अपनाया। उत्पादन बढ़ने के साथ जैविक उपज का अधिक दाम मिलने लगा तो दूसरे किसानों में भी इसे लेकर जागरूकता आई। हुकुमचंद ने जैविक खेती को एक नई पहचान दी है और आज किसानों के लिए आदर्श है हुकुमचंद। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। राजस्थान के किसान श्री जगदीश प्रसाद पारेख और श्री हुकुमचंद पाटीदार को पद्मश्री से सम्मानित होने पर बहुत बहुत बधाई। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, आपने खेती में जो नवाचार किए हैं वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही देश भर से पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह ट्वीट किया, ट्वीट कर बधाई दी सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को।